हेलो फ्रेंड्स, तो आदि पुरुष का पहला शो कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट होने वाला है और अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स बाहर आ गई हैं और पिक्चर में हम लोग राजा दशरथ का सीन एक देख सकते हैं। और भाई शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि राजा दशरथ के रोल को कोई और नहीं बल्कि प्रभास ही प्ले करेंगे। भाई मतलब क्यों, ये बाहुबली नहीं है यार कि बाप और बेटा दोनों एक ही हैं। नहीं मतलब यार, प्ले किया तो ठीक है प्ले किया, लेकिन कम से कम लुक तो अच्छा देना चाहिए था। क्योंकि भाई पर्सनली अभी तक मैंने जितनी भी रामायण देखी है, चाहे वो सीरियल हो, कार्टून हो, एनिमे हो, भाई सब में मैंने राजा दशरथ को एक बहुत ही अच्छा दाढ़ी वाड़ी के साथ में देखा है। मतलब आप देख के समझ जाओगे कि हाँ भाई ये बंदा कहीं का राजा है। अब मेरे को समझ आ रहा है कि 150 करोड़ क्यों दिए थे उसको, भाई 2 रोल प्ले। छोड़ो भाई, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी है, लेकिन दोस्तों ये राजा दशरथ का रोल तो मेरे को जमा नहीं। बाकी इसके अलावा एक और फोटो सामने आई है जहां पे हम शिव धनुष वाला सीन देख सकते हैं। पता नहीं ये सीन कैसा होगा, लेकिन फोटो में देखने में तो अच्छा लग रहा है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सीन जो शिव धनुष उठाने वाला सीन है वो मजा दे हम लोगों को, क्योंकि भाई यही वो मोमेंट होगा जहां पे श्री राम और माता सीता एक दूसरे के हो जाएंगे। तो दिस सीन हैज टू बी द बेस्ट। बाकी यार मेरा क्वेश्चन वही है कि राजा दशरथ के रोल में किसी को रख लेना चाहिए था यार, कितना ही बड़ा रोल होगा उनका, 10 मिनट किसी भी से करवा लेते, ढंग के एक्टर से करवा लेते, यार अमिताभ बच्चन से करवा लेते, भाई अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छे से सूट कर जाते राजा दशरथ के रोल में। तो आई डोंट थिंक कि प्रभास सूट कर रहा है, अभी तो श्री राम के रोल में ही बहुत लोग उनको नकार चुके हैं, राजा दशरथ के रोल में देखकर तो पागल हो जाने वाले हैं लोग। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आई एम सॉरी, कहीं से ये कोई राजा तो नहीं दिख रहा। श्री राम के रोल में फिर भी थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन भाई राजा दशरथ के रोल में तो कसम से हक दिया इन लोगों ने। भाई जरूरत क्या थी आपको एक ही एक्टर से 2-2 रोल प्ले करवाने की।